बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। जब बड़ों को ना समझाया जा सके तो बच्चों को समझाया जाए, ऐसी ही कुछ सोच रखते हुए मेरठ के SP ट्रैफिक संजीव वाजपेयी अशोका अकेडमी जा पहुंचे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं यातायात नियमों का उल्लंघन करने से सड़कों पर होती है और इन सड़क हादसों से लोगों को बचाने के लिए यातायात विभाग अनेकों जागरूकता अभियान चला चुका है। बावजूद इसके लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। संजीव वाजपेयी इस जागरूकता अभियान को साकार करने के लिए कंकरखेड़ा स्थित अशोका अकेडमी जा पहुंचे और स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों तथा सांकेतिक चिन्हों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बच्चों से ये भी सवाल किया कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने बड़े भाई बहनों या मम्मी पापा से सीट बेल्ट या हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, तो केवल 8 से 9 बच्चों ने ही हाथ खड़ा किया। लगे हाथ SP साहब ने एक और सवाल पूछ लिया कि आप में से कितने बच्चे अपने परिवार के साथ जब बाइक या कार से कहीं जाते हैं तो हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। किसी का भी जवाब हाँ में नहीं था। मतलब साफ था कि जब बड़े ही नियमों को नहीं मानते तो हम तो अभी बच्चे हैं। बच्चों को समझाने के बाद SP ट्रैफिक संजीव वाजपेयी ने फर्स्ट बाइट से बात की। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। आज यहाँ अशोका एकेडमी में हमने अपनी पूरी ट्रैफिक की टीम भेजी थी और यहाँ के जो भी बच्चे थे, काफ़ी सारी संख्या में बच्चे मौजूद थे और उनका सबके साथ में उनको ट्रैफिक के जो नियम हैं उनके बारे में बताया गया, उनको क्या क्या सेफ्टी सिक्योरिटी बरतनी है जब वो रोड पर हों, ये सब बताया गया। मेरे द्वारा भी उन बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी गई और उनको बताया गया कि किस तरह से आप सड़क पर सुरक्षित यातायात कर सकते हैं। बच्चों को ये भी प्रेरित किया गया कि वो खुद के साथ साथ अपने माँ बाप को भी इस बात के लिए प्रेरित करें, अपने पेरेंट्स को भी, कि वो यातायात के नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित रहें। जानते हैं टीचर सुनीता गिल इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए क्या कहती हैं। मेरा नाम सुनीता गिल है, मैं अशोका एकेडमी से हूँ। हमारे स्कूल में ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है ये बहुत ही अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह के प्रोग्राम हर स्कूल्स में बच्चों को बताने चाहिए ताकि जो चीज़ें नहीं पता हैं वो उस बारे में जान सके। और जैसे 2-व्हीलर वगैरह बच्चे मोस्टली चलाते हैं, उनको रूल्स के बारे में नहीं पता है तो वो अलर्ट हो जाएँ, तो ऐसे प्रोग्राम को मैंने कहा सभी स्कूलों में चलाना चाहिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग सब भी आए हैं तो एनकरेजमेंट मिला है बच्चों को और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिली है। तो थैंक्स फॉर, मतलब ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज कराया और इस चैनल के माध्यम से भी आप सब तक ये बातें पहुँचाएँ। इस बारे में जब बच्चों से पूछा गया तो ये सामने आया कि बच्चों ने सारे यातायात नियम समझ भी लिए और याद भी कर लिए। उम्मीद यही है कि अब बड़े भी समझेंगे और सड़क सुरक्षा में अपना सहयोग देंगे। आइए जानते हैं अशोका एकेडमी के बच्चों से कि उन्होंने क्या समझा यातायात नियमों के बारे में। ट्रैफिक रूल हमें ये बताते हैं कि सड़क में किस साइड चलना चाहिए, देख के चलना चाहिए, पहले लेफ्ट देखो फिर राइट देखो फिर चलो, और फिर हमें हेलमेट लगा के बाइक चलानी चाहिए और कार में सीट, बाइक पर हमें हेलमेट लगा के देख चलना चाहिए, हरदम फुटपाथ पर चलना चाहिए, बस के पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे देख के चलो। सारे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया है जिसमें बस में जो बच्चे ट्रैवल करते हैं उन्हें बस से अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, अपना कोई बॉडी पार्ट बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और हमें बस में ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर हम कभी बस से उतरते हैं और अगर कुछ नीचे गिर जाता है तो हमें उसे डायरेक्ट नहीं उठाना चाहिए, बस के जाने के बाद लेना चाहिए, इससे कुछ हो भी सकता है। और हम जब बस में होते हैं तो हमें हाथ वाले निकालने चाहिए क्योंकि इससे अगर कोई कार वगैरह वहाँ से जा रही है या फिर कोई और बस जा रही है तो वो कट वगैरह हो सकते हैं या फिर उनमें चोट वगैरह आ सकती है। सीट बेल्ट लगानी चाहिए हमें हमेशा जब भी हम कार में बैठते हैं और हेलमेट जब हम बाइक वगैरह पे करते हैं। हमें जब भी ट्रैवल करते हैं, हमें बस में करते हैं तो हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, अपनी बॉडी का पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए, और जब हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो हेलमेट लगाना चाहिए और ज़्यादा तेज चलानी नहीं चाहिए, और जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, टॉक टेबल्स में का यूज़ करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए और कपबोर्ड
क्रॉसिंग आज हमें दिखाया है, और जब कोई दुर्घटना घटना हो तो 100 नंबर पर सूचना देनी चाहिए। बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अशोक एकेडमी की प्रिंसिपल नीलम गेरा क्या कहती हैं यातायात नियमों के लिए, आइए जानते हैं। हमारे विद्यालय में यातायात सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए, जिससे कि बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी और समय समय पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचेंगे बच्चे। बच्चों को इसके प्रति सबके प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना जागरूकता के कुछ भी नहीं हो सकता। और यातायात के नियमों का पालन जो है सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यातायात के नियम अगर पालन नहीं करेंगे तो लगातार जो है दुर्घटनाएं घटित होती रहेंगी, और इस प्रकार से हम अपने आप को सेफ नहीं रख सकेंगे, और अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।